मोदी साहब ने कहा मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, मैं जम्मू कश्मीर अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे ना किसी की राय चाहिए ना किसी के मशवरे की जरूरत है, मैं जो चाहूंगा करूंगा। और चुप रहे दोनों बाप बेटे। उसके बाद जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब अस्पताल में थे, बीमार थे, एक बार भी हमारे मुल्क का वजीर आजम उनको खबर कुर्सी के लिए अस्पताल नहीं गए, एक बार भी नहीं। हम गए, मेरे साथी गए, आपने अपनी जम्मू कश्मीर की पुलिस एनआईए के हवाले की और कहा एनआईए वाले हमारे पुलिस आपकी मदद करेंगे। आज आप मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, आज आप कहते हो हमें अफसोस है, जमात इस्लामी पे बैन। आखिरकार जमात इस्लामी पे कार्रवाई शुरू कब हुई? जब आप वजीर आला थे, आपकी हुकूमत में ये सारा शुरू हुआ। अब जब एक बैन लगा आप कहते हो ये सकती है। ये तमाम हालात जो है इनके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हकीकत से हम छुप नहीं सकते। 2014 से पहले जमात इस्लामी पे बैन क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, ना इसकी इजाजत देते। 2014 से पहले हमारा हाईवे क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि हम इसकी इजाजत नहीं देते। आज जनाब हम अपने सड़कों के मालिक नहीं है। हफ्ते में 2 दिन हमारा नेशनल हाईवे बंद होगा, 2 दिन। नया ऑर्डर, तुगलक की फरमान। किसी ने नहीं सोचा कि हमारे मरीजों को जब अस्पताल जाना होगा किस रास्ते से जाएंगे, हमारे पेशेंट को अगर श्रीनगर SMHS भेजना होगा और इंस्टीट्यूट में भेजना होगा स्कीम्स में सौरा, किस रास्ते से जाएंगे, हमारी माँ बहनों को डिलीवरी के लिए लंदन जाना होगा, किस रास्ते से भेजेंगे हम उनको? क्या मोदी साहब उनके हेलीकॉप्टर भेजेगा यहां से वहां पहुंचाने के लिए? तभी तो मैं कहता हूं हम इन ताकतों से बचे जिन्होंने इस रियासत का ये हाल कर दिया कि आज हम अपने सड़कों पर चलने के लायक नहीं रहे। हमें अपने सड़कों पर चलने के काबिल इन्होंने नहीं रखा। इन लोगों ने इस हद तक इस रियासत का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। तभी हम कहते हैं कि इस रियासत को इस दलदल से निकालने के लिए हमें 2 फैसले करने होंगे, पहले छोटे इम्तिहान में फिर बड़े इम्तिहान में। कि मेहरबानी करके ये हाईवे को बंद करने का जो फैसला है उस पर दोबारा सोचे। 30 साल हो गए हमें मिलिटेंसी का यहाँ पे मुकाबला करते हुए, कभी भी इस तरह हाईवे बंद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्या हम ये मान के चले कि मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर का इतना बेड़ा गर्क किया है कि 30 साल में सबसे बदतर हालत आज रियासत की उन्होंने ये की? अगर मोदी साहब इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार है कि 30 साल में सबसे ज्यादा आज हालात खराब है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमें नहीं लगता है, मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं जम्मू कश्मीर में, मैंने 98 का इलेक्शन लड़ा, मैंने 99 का इलेक्शन लड़ा, हमने 2000 में असेंबली पे कार बॉम्ब का ब्लास्ट होते हुए देखा, तब भी हमें ना इस हाईवे बंद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज कैसे? और अब ये हाईवे कोई छोटी सड़क नहीं है, पूरा उदयपुर से लेकर बारामूला तक। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ रियासती हुकूमत से और मरकज से कि वो इस फैसले को दोबारा इस पे सोचें और कोई और तरीका निकालें। कम से कम और कुछ नहीं तो बांदीपुर और बारामूला के दरमियान जो फोर्सेस की मूवमेंट है उसको ट्रेन से करिए।